अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलाकंद बनाने की रेसिपी। इसे आप घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार, घर से बनी हुई एकदम शुद्ध प्योर है, प्योर दूध से है, मलाई से है। इसमें हमने घर का ही सामान डाला है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें से हमने ये देखिए एक गिलास दूध हमने निकाल लिया है 1 लीटर में से, और ये हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये दूध हम एक साइड रख देंगे क्योंकि हमें कलाकंद मलाई के साथ बनानी है जो जल्दी बन जाएगी, बहुत झटपट बनेगी। और ये दूध हम उबालेंगे और दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हम इस दूध का छेना बना रहे हैं। ये देखिए ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है और गैस बंद कर रहे हैं। और अब हम इसको हमें ठंडा भी नहीं करना है, ऐसे ही इसको फाड़ देना है। ये हमारा सिरका है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिरका डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फट चुका है और इसे अब हम एक छन्नी में छान लेंगे। आइए, ये कपड़ा हमने एक छन्नी पे रख लिया है और इसे छान लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बनकर तैयार हुआ है। और इसे हमें 4 से 5 बार पानी से धोना है, इसका खट्टापन निकालना है। ये देखिए हमारा छेना अच्छे से निकल चुका है और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये हम दूध अपना इसमें डाल देंगे, हमें और दूध नहीं चाहिए। गैस चालू कर दिया है और ये हमारी 1 कटोरी मलाई है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब ये हमारा दूध पककर गाढ़ा हो चुका है, ये खोआ बन चुका है। अब हम इसमें अपना पनीर डाल देंगे। सौ ग्राम हमने चीनी ली है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाएंगे इसको। आधा चम्मच हम इसमें केवड़ा डाल देंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी बन जाएगी। और गैस कर देंगे अब हम बंद और ये तैयार है। बस इसे हमें थोड़ा ऐसा ही रखना है क्योंकि ये बाद में सेट होगी और इसे हमें थोड़ा नरम रखना है, सॉफ्ट। आइए, अपनी कलाकंद जमाने के लिए हमने ये प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है और इसको अच्छे से घी लगा लेंगे। और अब हम इसमें इसे डाल देंगे। और इसे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमने इसे 2 घंटे फ्रिज में रखा है और इसमें हमने पिस्ता और चिरौंजी लगा दी थी। और आइए अब इसको आपको काट कर दिखाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसको हम अपने प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए हमारी कलाकंद बनकर तैयार है। आइए दूसरे प्लेट में लेते हैं। ये देखिए हमारी बेहद टेस्टी सॉफ्ट मुलायम कलाकंद बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत जल्दी बन गई है, हमें इसमें घंटों दूध को पकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।